हम चंद्रमा में पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन सबके बीच हमारा जीवन का प्रबंधन कहीं न कहीं अस्त व्यस्त हो चुका है। परम पावन सुधांशु जी महाराज इस युग में एक ऐसा जाना पहचाना और प्रमुख नाम है जिन्होंने अपने भक्तों को अपने शब्दों के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर दिया। आज रथ यात्रा के इस पावन पर्व पर, पावन अवसर पर, जब हमारे समक्ष परम पूज्य श्री उपस्थित हैं हमें मार्गदर्शन के लिए, उन्हें निवेदन करता हूं कि हमें अपने पावन प्रसंगों से और मार्गदर्शन से लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, आपके जागने से आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती, आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है। आप अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो अपनी सुबह को ठीक करना शुरू कर दीजिए। और अगर हम बात करें कि सुबह की शुरुआत भी सिर्फ वहीं से नहीं होगी जहां से आप जागे, बल्कि वहां से शुरू होगी जब आप सोए थे। इसलिए एक शब्द में कहा करता हूं बार बार कि शांति में सोना सीख जाइए और आनंद में जागना सीख जाइए। दानवीर बनो या धर्मवीर बनो, कर्मवीर बनो या शूरवीर बनो, लेकिन वीरता मेरी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनेगा। आपकी प्रार्थनाओं से तय होता है जो आप मांगना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं और जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं। इसलिए प्रार्थना भी बहुत अद्भुत होनी चाहिए कि अगर हम विकास की यात्रा पर जाना चाहते हैं, उन्नति की राह पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहिए शांति। दूसरे नंबर पर समस्त सफलताओं की सफलता के पीछे है, उस सफलता का नाम है आनंद। अगर आप आनंदित हैं, आप शांत हैं, तो आप सफल इंसान हैं। जीवन प्रबंधन में और कुछ चीज इकट्ठी करें ना करें, लेकिन इस बात का जरूर हम ध्यान रखें कि हमारी जिंदगी में शांति रहेगी और हम आनंदित रहेंगे। मैं महापौर हूं तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि राजनीति आगे मैं भगवान राम की तरह करूं कि कृष्ण भगवान की तरह मुझे राजनीति करना चाहिए। त्रेता युग में राम जी आए थे, उन्होंने द्वापर को कैसे जीना है इसका संदेश दिया था, लेकिन द्वापर मर्यादा को भूल गया, इसलिए महाभारत हो गया। इस कलयुग को अगर महत्वपूर्ण बनाना है तो कृष्ण की नीति को अपनाना पड़ेगा। इसलिए ये युग गीता का युग है। ये कुरुक्षेत्र की भूमि में भी अगर हम खड़े हैं तो कुरुक्षेत्र को भी धर्म क्षेत्र बनाना होगा। अगर आप दिल जीत रहे हैं तो आपकी हार में भी जीत है। एक शिष्य अपने गुरु को किस प्रकार से आभार ज्ञापित कर सकता है? जो संदेश गुरु महाराज के द्वारा आज हमें दिया गया है, हम अपने जीवन में जितना उसको पालन कर पाएंगे वही हमारा गुरु के प्रति आभार ज्ञापन होगा। आप सबका हृदय से आभार।